सीखने वाले हैं एक्सपोनेंट के रूल्स। एक्सपोनेंट मतलब पावर्स। तो गिनती के कुछ रूल्स हैं, हम उनको यहाँ पर देखेंगे। उन्हीं रूल्स के बेस पर आप एक्सपोनेंट या फिर पावर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है a की पावर n, मैंने कोई नंबर नहीं लिया है, मैंने सिंपली लिखा है a की पावर n। तो यहाँ पर a जो है ये है बेस, और यहाँ पर जो n मैंने इसके ऊपर लिखा है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर इसी को हम बोल देते हैं पावर या फिर इंडेक्स। तो बेसिकली हम ये दोनों चीजें इसके लिए यूज करते हैं, या तो हम बोल देते हैं कि इसका एक्सपोनेंट क्या है या फिर इसकी पावर क्या है। तो पावर और एक्सपोनेंट मतलब एक ही चीज है। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। ए की पावर मैंने एन लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो ए है ये कितने टाइम्स है। तो मैंने यहां पर लिखा है एन, तो इसका मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ एन टाइम्स। तो ए जो है ये n टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। अब n की जितनी भी वैल्यू है उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाइड होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा है 10 की पावर 3, तो यहाँ पर जो ये 10 है ये क्या है, बेस है। जिस बेस के ऊपर ये पावर लगी हुई है तो ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट या फिर पावर इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 10 कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो यहाँ पर 10 जो है ये कितनी बार हो रखा है ये बताएगा ये एक्सपोनेंट यानी कि पावर। तो पावर बताती है कि ये बेस खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो 10 है ये खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो 10 × 10 × 10 इसका मतलब ये होता है। तो हम सिंपली जो भी पावर वाली चीज है हम उसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। हमें यहां से ये दिख रहा है 10 × 10 × 10 ये कितना हो जाएगा 1000। तो हम पावर वाली चीज को इस तरीके से सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे ये देखना था कि एक बेस होता है, बेस के ऊपर जो भी लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट यानी कि पावर। तो बेस कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। इसी तरीके से एक्सपोनेंट यानी पावर भी कुछ भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं इसके रूल्स। तो रूल्स के अंदर हम एक जनरल टर्म लेकर चल रहे हैं ए एक्स वाई इस तरीके से। अभी हम कोई नंबर नहीं ले रहे हैं, नंबर के लिए हम इसके एग्जांपल्स में देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो रूल है ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले हम देख लेते हैं a की पावर x इंटू a की पावर y। तो यानी कि इसकी पावर x है, इसकी पावर y है, x y जो है वो एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब है a की पावर x प्लस y। तो यहां पर आप देख सकते हो बेस सेम है, बेस तो दोनों का a ही रहा, लेकिन क्या पावर चेंज हो गई है, इसकी पावर x है, इसकी पावर y है। तो जब भी बेस सेम होगा तो पावर एड हो जाएगी मल्टीप्लीकेशन के केस में यानी कि प्रोडक्ट रूल में। तो जब भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है यानी कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो बेस सेम होगा तो पावर हो जाएगी एड। तो ये लिख दिया मैंने a की पावर x प्लस y। अब इसी तरीके से होता है डिवीजन का रूल। डिवीजन मतलब डिवाइड वाला रूल। तो इसी को लिख देते हैं वो डिवाइड की फॉर्म में। a की पावर x ये मल्टीप्लाई में था इससे, अब ये हो जाएगा इससे डिवाइड में। a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y। तो यहां पर कौन क्या रहा था, प्लस हो रहा था, अब यहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो a की पावर x माइनस y, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y। तो a की पावर x माइनस y। तो यहां पर जब भी प्रोडक्ट रूल लगेगा तो बेस सेम है, पावर हो जाएगी एड, डिवीजन के केस में हो जाएगी माइनस। तो ये था प्रोडक्ट रूल, ये था डिवीजन रूल। तो तीसरा रूल जो है ये है पावर रूल। तो a की पावर x, a की पावर तो x हो गई और इस पूरे की पावर y हो गई। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो वो सॉल्व करेंगे a की पावर x इंटू y से। तो यानी ये दोनों जो पावर है ये दोनों साथ में आ जाएंगी मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो a की पावर x की पावर y हो जाएगा a की पावर एक्स वाई। इसके बाद आता है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो जो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था उसके अब हम पावर की बात कर रहे हैं, यानी कि a इंटू बी की पावर x।
यानी कि ए इंटू बी है, कोई भी दो नंबर है, उनकी पावर एक्स है, दोनों की पावर एक्स है, तो इसको हम खोल के लिख सकते हैं ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स, क्योंकि वैसे भी दोनों मल्टीप्लीकेशन में थे, दोनों की पावर ही एक्स थी, तो मैंने इसको खोल के लिख दिया, अलग अलग सेपरेट करके मैंने इसको लिख दिया, ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर एक्स, सिंपल। अब आता है पांचवा, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल की पावर की बात की, ऐसे ही हम डिविजन के रूल की भी बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में थे ऐसे ही हो जाएंगे डिवाइड में, तो अब लिख दो ए डिवाइड बाई बी की पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ए की पावर एक्स डिवाइड बाई बी की पावर एक्स, तो यानी पावर को यहाँ पे इन्होंने कंबाइन फॉर्म में लिखा था, तो मैंने इसको सेपरेट दोनों की तरफ लिख दिया है, एक्स मैंने यहां भी लगा दिया, एक्स मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, तो ये है फिफ्थ रूल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद में आता है जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब है अगर ए की पावर जीरो है तो यानी कि वो इक्वल टू वन है, ए कोई भी नंबर है उसकी पावर जीरो होगी तो यानी कि वो वन है। इसके बाद में आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है अगर ए की पावर नेगेटिव में है, यानी कि ए की पावर जो है वो माइनस में है, तो इसका मतलब होता है कि वो वन अपॉन में है, यानी वन अपॉन ए की पावर एक्स, इसका ये मतलब होता है। अब इसके बाद हमारे पास में लास्ट है, तो जैसे अभी हमने एक्सपोनेंट को जीरो लिया था, नेगेटिव में लिया था यानी माइनस में लिया था, अब हम ले रहे हैं एक्सपोनेंट को फ्रैक्शन में, तो यानी कि फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, यानी कि जो एक्सपोनेंट है ए की जो भी पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन होगा एक्स अपॉन वाई, तो ए की पावर एक्स बाई वाई, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा वाई अंडर रूट ऑफ ए की पावर एक्स, तो इस तरीके से हम ये सॉल्व करने वाले हैं। अब हम इसमें से एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से आपको इन्हें लिखना है, तो अब हम इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला जो हमारा रूल था वो था हमारा प्रोडक्ट रूल, यानी कि a की पावर x इंटू ए की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का केस है, तो बेस सेम रहेगा, पावर हो जाएगी एड, यानी कि x प्लस y। अब इससे एग्जाम्पल आप ले सकते हो कुछ भी, मान लो मैंने लिया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, इसी तरीके का केस है, a की पावर x, a की पावर x, a की पावर y, a की पावर y, तो a यानी मैंने 2 लिया, एक बार मैंने 3 ले लिया, एक बार मैंने 2 ले ली इसकी पावर, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2 की पावर हो जाएगा 3 प्लस 2, बेस सेम पावर एड, तो कितना हो गया 3 प्लस 2 इज 5, तो 2 की पावर 5 मतलब कि 32, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो ये था प्रोडक्ट रूल के लिए, अब आप ऐसे ही ले सकते हो डिवीजन के लिए। डिवीजन रूल क्या था, a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y, तो ये हो जाएगा a की पावर x माइनस y, ये हमारा था रूल, तो यानी कि जो भी इनकी पावर होगी बेस तो वही रहेगा, पावर हो जाएगी सिर्फ माइनस, वहां पे प्लस हो रही थी यहां पे हो जाएगी माइनस। अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां पर मेरा a की पावर x है, तो मैंने ले लिया 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो बेस सेम है, 2 2 लिया मैंने, पावर अलग अलग है, इसकी 6 है इसकी 3 है, तो अब क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 3, देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि मेरे को उस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है इन रूल्स को। अब जो हमारा तीसरा रूल था वो था पावर का रूल, यानी कि a की पावर अगर हमारे पास x है और उसकी भी पावर y है, तो यानी ये हो जाएगा a x इंटू वाई, यानी दोनों जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 2, इसी तरीके से लिखा हुआ है 2 की पावर 3 है और उसके पूरे की पावर जो है वो 2 है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, जो दोनों पावर है वो दोनों पावर मल्टीप्लीकेशन में चली जाएंगी, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो 2 की पावर 5 था 32, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 64। इसके बाद जो हमारे पास में रूल था वो था a इंटू बी की पावर x,
दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, उसकी पावर x है, तो यानी कि ये सॉल्व करके आएगा a की पावर x इंटू b की पावर x, यानी इसको बस खोल के लिख देना है आपको पूरा। अब इसका जो एग्जांपल है वो देखते हैं, a इंटू b है तो मैंने ले लिया 2 इंटू वाई, जरूरी नहीं कोई नंबर ही हो, तो मैंने ले लिया 2y। अब इसकी पावर x है तो कुछ भी नंबर ले लो, 3 ले लिया तो 2y का क्यूब हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसका मतलब हो गया 2 का क्यूब करा और y का क्यूब करा, तो 2 का क्यूब इंटू वाई का क्यूब, तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, तो यानी कि 8 इंटू वाई का क्यूब, तो इसका जो आंसर आप सॉल्व करके निकालोगे वो होगा 8y क्यूब। ये था फोर्थ। इसके बाद जो हमारा था वो क्या था, डिवाइड वाला, तो यानी कि a अपॉन b की पावर x, जैसे मल्टीप्लीकेशन में थे ऐसे इन दोनों की पावर जो है वो डिवाइड में है, तो a अपॉन b है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a की पावर x डिवाइडेड बाई b की पावर x, तो x को हम अंदर ले गए, a की पावर x हो गया डिवाइडेड बाई b की पावर x हो गया। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, a b मेरे को लेना है तो a मैंने ले लिया x, b मैंने ले लिया 3, इसकी पावर ले लेते हैं 2, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या है कि x का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है और दोनों डिवाइड में है, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर, 3 जो होता है 9, तो x स्क्वायर अपॉन 9। अब इसी के बाद हम देख लेते हैं, a की पावर 0 जो था वो 1 के इक्वल था, और मैंने लिख लिया 2 की पावर 0 यानी कि 1, 3 की पावर 0 यानी कि 1, तो a की पावर 0 यानी किसी भी नंबर की पावर 0 है तो यानी कि वो आएगा 1। अब इसके बाद में हमारा जो रूल था वो था नेगेटिव का, यानी a की पावर जो है वो माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर x, तो यानी नेगेटिव का मतलब है वो 1 अपॉन में है। अब इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, 3 की पावर माइनस 2 है, तो इसका मतलब है ये 1 अपॉन 3 की पावर 2 है, यानी 1 अपॉन में ले जाएंगे तो माइनस साइन जो है वो हट जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद में जो हमारा रूल था वो था हमारा फ्रैक्शन का रूल, यानी कि a की पावर x अपॉन y है, यानी a की जो पावर है वही फ्रैक्शन में है, तो इसका जो हमारे पास में आया था वो था y अंडर रूट ऑफ a की पावर x। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि 4 की पावर अगर 1/2 है, तो यहाँ पे ये x है ये है y, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 4 की पावर 1, यानी स्क्वायर रूट की हम बात कर रहे हैं, तो 4 का जो होता है वो क्या होता है 2, तो इसका जो आंसर है वो है 2। तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं एक्सपोनेंट के एग्जांपल्स और इसके रूल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।